हाय एवरीवन। मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम मनीष पवार है और मैं पिछले 10 सालों से एज अ हेल्थ कोच काम कर रहा हूँ। और आज मैं आपके सामने एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, और वो स्टोरी है कि कैसे एक लड़की ने 21 डेज में 10 kg वेट लॉस किया। राइट, तो उसकी जर्नी मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। काफी थोड़ी शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने उसके ऊपर उसका उसके बारे में जानकारी ली, और कैसे मैंने उसको प्लान दिया, और क्या बेसिकली प्रोसेस था वो मैं आज बताने वाला हूँ। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको क्या करना है आपके खुद के वेट लॉस के लिए। राइट, सो काफी सारे कुछ आपके क्वेश्चंस रहेंगे या मन में कुछ डाउट रहेंगे, तो ये स्टोरी के थ्रू वो आपके कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो उसका बिफोर आफ्टर जो है वो मैं आपको एंड में दिखाने वाला हूँ, तो आपको एंड तक ये सुनना है और रहना है, और आप चाहे तो कुछ नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मेरे एक दोस्त है, वो दोस्त ने मुझे एक 2015 को उन्होंने मुझे अप्रोच किया था उनकी बेटी के लिए। उनको उनकी बेटी का वेट लॉस करना था। वो काफी छोटी थी तभी, और बचपन से ही वो थोड़ी ओवरवेट ही थी, और तभी उन्होंने अप्रोच किया था। लेकिन तभी उन्होंने वो फॉलो नहीं किया, या मेरा जो वेट लॉस का प्रोग्राम है वो नहीं लिया था। लेकिन अभी उसको एक शिप में एक जॉब था, और वो जॉब के लिए उसको कैसे भी करके वेट लॉस करना था। राइट, क्योंकि अभी भी वो ओवरवेट ही थी, 23 ईयर ओल्ड है वो, और उसमें एक कंडीशन थी कि आपका वेट जो है ना वो इतना होना चाहिए। और वो वेट लॉस करने के लिए उसने मुझे उनकी उसके डैड ने मुझे फिर से अप्रोच किया और कहा कि मनीष, मेरे बेटी को वेट लॉस करना है, और अभी एनी हाउ उसको करना ही। अभी आपको ये सिचुएशन में एक चीज देखनी है कि अर्जेंसी, जब उन्होंने 2015 में जब मुझे अप्रोच किया था तब उनको अर्जेंसी नहीं थी। ठीक है, अभी जब उन्होंने अप्रोच किया तो उनको 2 महीने बाद शिप में जॉब के लिए उनको कैसे भी करके वजन कम करके वहां पे बताना था। इसीलिए उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया कि कहा कि मुझे एनी हाउ वेट लॉस करना है, और आप मुझे हेल्प करोगे क्या। तो ये जब सिचुएशन मैंने जान ली, तो उन्होंने मुझे कहा कि उनकी बेटी से मैंने बात की फर्स्ट ऑफ ऑल कि वेट लॉस क्यों करना है, क्या रीजन है, उनका हाइट वेट ये सब जान लिया मैंने। ऑनलाइन ही उनका बीएमआर देख लिया कि उसका बीएमआर कितना है और क्या बेसिस पे उसका वेट लॉस हो सकता है। और उसने मुझे कहा कि सर, मुझे 2 महीने में 20 kg वेट लॉस करना है। तो मैंने कहा कि बेटा 20 kg नहीं हो सकता, लेकिन हाँ मैं आपको 15 से 17 किलो तक वेट लॉस करके दे सकता हूँ 2 महीने में। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं आई एम रेडी विद दैट, और बताइए कैसे करना है मुझे। अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या बेसिस पे कमिट किया। ठीक है, मैंने उसका बीएमआर देखा, जो बीएमआर था उसका काफी हाई था, मतलब ऑलमोस्ट 2200 तक उसका बीएमआर था। तो वो बेसिस पे मैंने कमिट किया कि हाँ आपका हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर उसका बीएमआर अगर कम होता था, उसका बीएमआर 1100 होता था, या कुछ लोगों का 1200 या 1500 होता था, तो मैं कमिट नहीं करता था कि आपका इतना वजन कम हो सकता है। तब मैं उन्हें बोल सकता था कि आपका 2 मंथ्स में एक 10 kg तक हो सकता है, या सिर्फ 10 kg से कम भी हो सकता है, ये मैं कमिट करता था। ठीक है, तो हमें ये भी चीज देखना है कि आपका बीएमआर लेवल क्या है, वो बेसिस पे ही हमें कमिट करना है। तो ये होने के बाद उन्होंने मुझे कहा, उस लड़की ने कहा, उसका नाम है लीजा, लीजा लीजा डिसोजा। तो लीजा ने मुझसे कहा कि अभी क्या करना है, प्रोसेस क्या है। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, मैं आपको गाइड करूंगा आपके वेट लॉस के लिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट लेने जरूरत है जो कि हर्बलैब न्यूट्रिशन के, और जो मैं आपको बताऊंगा वो एडवांस प्लान रहेगा, बेसिक नहीं रहेगा। अभी बेसिक और एडवांस मैं आपको बताता हूँ क्या है। बेसिक में सिर्फ शेक और फ्रेश प्रोटीन पाउडर शेक मेट आता है, और एडवांस में जो है बाकी के जो टैबलेट्स है वो आता है, और एक हमारा खुद का शेपअप ड्रिंक करके है वो आता है। ठीक है, तो
ये जब मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि मुझे एडवांस प्रोग्राम में ही जाना है, क्योंकि मैंने भी उनको सजेस्ट किया कि आपको अगर फास्ट रिजल्ट चाहिए तो एडवांस प्रोग्राम लेना जरूरी है। वो बेसिस पे नेक्स्ट डे ही हम मिले, और उसके बाद मैंने उनको बताया कि 2 मंथ्स का कितना होगा, और वो बेसिस पे मैंने उनको एज अ प्रिफर्ड कस्टमर बनाया, क्योंकि उनको 2 मंथ्स के प्रोग्राम चाहिए थे, एडवांस प्रोग्राम चाहिए था जिसकी कॉस्ट काफी ज्यादा हो रही थी। तो मैंने उनको एमआरपी में 2 प्रोडक्ट्स नहीं दिए, मैंने उनको डायरेक्ट प्रीफर्ड कस्टमर बनाया, और प्रीफर्ड कस्टमर के बेसिस पे एक हमारा 500 पॉइंट्स होता है, तो वो 500 पॉइंट्स के मैंने प्रोडक्ट्स दिए उनको ऑन द स्पॉट, और हमारे विले पार्ले ऑफिस में वहाँ पे आके उनको मैंने दिया। तो उसमें मैंने हमारे जो बेसिक प्रोग्राम के साथ साथ टैबलेट्स जो थे वो दिए, और उसके साथ जो शेपअप ड्रिंक में जो इंग्रेडिएंट लगते हैं वो भी दिए मैंने, और उस वो मैंने उनको देने के बाद मैंने एक कमिटमेंट ली। वो कमिटमेंट ये थी कि आपको आपका जब तक वेट लॉस या फैट लॉस नहीं होता है तब तक आपको आपके जो भी आप खाओगे उसका फोटो आपको मुझे भेजना है और वेट का फोटो भेजना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सर मेरा जो शेड्यूल है वो काफी हेक्टिक है, क्योंकि वो बाय प्रोफेशनल वो फोटोग्राफर है, तो काफी लेट नाइट वर्क होता है उसका, तो उसकी वजह से वो बोल रहे कि एक तो मॉर्निंग में वर्कआउट अटेंड नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप जब भी टाइम मिले आप करिए। और खाने का जो है उठने के बाद का मैंने टाइम टेबल दिया था, ये नहीं कि आपको यही टाइम पे ये खाना है, राइट। सो मैंने 5 मील प्लान दिया। 5 मील प्लान में जो नॉर्मली मैं देता हूँ कि शेक, अफ्रेश टैबलेट्स, फिर मिड स्नैकिंग, फिर लंच, लंच के बाद फिर इवनिंग स्नैक्स और डिनर, ठीक है। और उन्होंने ये किया था कि ज्यादातर उसने सलाद पे जो है ज्यादा फोकस किया था, वो ज्यादा पका हुआ नहीं प्रिफर्ड कर रही थी। उन्होंने मुझे सामने से कहा कि मैं ये फॉलो करूँ क्या, तो मैंने कहा वेरी गुड, और अच्छा है, तुम्हें और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो कभी कभार ही वो खा रही थी कि जब अगर वो बाहर जाती है तो ही वो पका हुआ खाना खा रही थी, लेकिन घर पे वो जो है वो सलाद ही प्रिफर्ड कर रही थी। तो मैंने कहा चलो और बेटर है, आपका रिजल्ट काफी और अच्छा आ जाएगा। मैंने उसको कहा कि खाने में प्रोटीन बेस्ड जो है वो आपको और ऐड करना है, और इस तरह से नेक्स्ट डे उसकी जर्नी शुरू हुई। उन्होंने फर्स्ट डे का वेट मुझे भेजा, ठीक है, जो था 102 किलो, 102 किलो वेट था। और उसके बाद जो है उसने मुझे सब शेक, अफ्रेश टैबलेट जो थे बाकी के भी फोटोज उसने भेजना शुरू किया, और वो करते करते मैंने उसको एक कमिटमेंट उससे लिया था कि मुझे डेली तुम्हारा 1 केजी कम होना चाहिए, ठीक है। सो वो भी शॉक हो गई कि डेली 1 केजी कैसे कम होगा। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने उसके थोड़ा सा माइंड के साथ मैंने ये ट्राई किया कि उसको अगर मैं माइंड से अगर मैं बोलता हूँ कि तुम हमें 1 केजी डेली करना है, राइट। सो उसका माइंड वैसे वर्क करता है और कर रहा था बेसिकली, और उस शुरुआत के ही 3 दिनों में उसका 3 केजी वेट लॉस हुआ। सो वो भी काफी शॉक हो गई, मैं मुझे मालूम था एक्चुअली ये वर्क करेगा, और वो जो टारगेट था वो काम कर गया, और क्योंकि उसने वो बेसिस पे ही काम शुरू किया। फिर उसके बाद जो है हमारा एक 21 डेज चैलेंज आ गया, तो मैंने 21 डेज चैलेंज में भी उसको ऐड किया, और 21 डेज चैलेंज में ऐड करने के बाद मैंने उसको कहा कि देखो यहाँ पे अगर तुम विनर हो जाते हो तो तुम्हें कैश प्राइज भी मिलेगा। सो उसने कहा कि सर मुझे कैश प्राइज में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ अगर कॉम्पिटिशन है तो मैं जरूर पार्टिसिपेट करूंगी। सो उसने पार्टिसिपेट किया, और जैसे जैसे हम बता रहे थे वैसे वैसे वो कर रही थी, डेली का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो रहा था, लेकिन कभी कभार होता है ना कि थोड़ा सा चीटिंग भी हो जाता है, कभी कभार थोड़ा सा टारगेट से हम थोड़ा दूर भाग जाते हैं, तो वैसे उसके साथ भी हुआ, ठीक है। थोड़ा सा वजन जो था 1 केजी नहीं हो रहा था, फिर कभी 300 ग्राम हो रहा था, तो वो हो रहा था, तो मैं उसके टच में था, मैं उसको मोटिवेट कर रहा था कि नहीं आपका ये होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे होने वाला है, सो तुम्हें फोकस रहना है, तुम्हें जो मैं कह रहा हूँ वैसे करना है। और जब मुझे लगा कि उसका डाइट जो है मुझे चेंज करना चाहिए, वो सिचुएशन में मैंने डाइट को भी चेंज किया, जैसे मैंने उसके शेक का टाइमिंग में चेंजेस किया,
उसके खाने के टाइमिंग में थोड़ा सा चेंजेस किया, वो उसकी वजह से उसका जो प्लेटो बीच में आया था वो टूट गया और फिर से उसका वजन कम होने लगा। ये करते करते जब 21 डेज चैलेंज में उसने पार्टिसिपेट किया, सो अमेजिंग, उसका 21 डेज में, मतलब पहले के जो डेज थे वो छोड़ के, उसने 10 केजी से भी ज्यादा वेट लॉस किया। और काफी मैं खुद शॉक हो गया कि 21 डेज में ही उसने 10 केजी एंड अबाव लॉस किया। और ये 21 डेज में बाय द वे वो विनर थी, लेकिन कुछ जो ये थे क्लॉज थे उसमें वो ये नहीं आ रही थी, क्योंकि वो मॉर्निंग सेशन नहीं अटेंड कर पा रही थी, तो उसको कॉन्सोलेशन प्राइज दिया गया, उसको 4,000 कैश प्राइज दिया गया। काफी खुश थी उस दिन, उसने उसका स्टोरी भी शेयर किया। और उसके साथ साथ उसका अभी जब लास्ट हमने उसका वेट चेक किया तो उसका वेट था 85 केजी, राइट? सो ऑलमोस्ट 17 केजी उसने फैट लॉस किया, और काफी अमेज अमेज है वो। और जो भी अभी उसको देखते हैं तो काफी खुश होते हैं कि उसने कर दिखाया, क्योंकि उसको उतना ही वेट लॉस की जरूरत थी। और उसने मुझे फोन करके बोला कि इतना ही मुझे कम करना था इनफैक्ट। और वो उसके जो शिप में है वो अप्रोच करने वाली है, और आई एम श्योर उसको वहां पे एंट्री मिल जाएगा। सो यहाँ पे दो तीन चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो रीजन है ना वो क्लियर होना चाहिए कि मुझे वेट लॉस क्यों करना है। अगर अगर कोई सामने वाला बोलता है कि अरे तुम मोटे हो तुम्हें वजन कम करना है तो हम नहीं करते, हाँ, लेकिन एक गुस्सा आता है कि नहीं अभी मुझे इसको करके दिखाना है तो हमसे होता है। या डॉक्टर अगर हमें कहता है कि, जैसे मुझे कहा गया था कि तुम वेट लॉस करो नहीं तो तुम्हें हार्ट अटैक आ सकता है, तो वो चीज मुझे काफी, मतलब मैं डर गया वो चीज से, इसलिए मैंने किया, नहीं तो मैं नहीं कर पाता था। उसको भी सेम कि उसको शिप में एडमिशन लेना था इसलिए उसने किया। तो अगर आपको भी वेट लॉस करना है तो आपको आपका गोल ढूंढना है कि आपको क्यों करना है, क्या रीजन है कि वेट लॉस करके आपको क्या करना है, तो ही आपका वेट लॉस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, उसने क्या किया, मैंने जो बोला वो उसने फॉलो किया। मैंने कहा तुम्हें ये न्यूट्रिशन लेना है, ये प्रोडक्ट लेना है, उसने लिया। उसने मुझे नो कभी भी नहीं बोला, उसने मुझे इतना ही बोला अगर ये मेरे बॉडी के लिए नेसेसरी है तो मैं ले लूंगी। मैंने कहा कि आपको ये लेना है, उसने लिया और अमेजिंग 17 केजी वेट लॉस किया उसने। मैं आपको उसका वेट बिफोर आफ्टर भी दिखाता हूँ। यस, सो आप देख पा रहे हो उसका रिजल्ट। उसका वेट अभी भी उसको काफी कम करना है, ठीक है? उसका रिजल्ट जो है विजिबल विजिबल अगर आप देखने जाओगे ना तो उतना आपको नहीं लगेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि और भी उसको करना है, लेकिन उसने जैसे कहा कि मुझे सिर्फ इतना ही करना है क्योंकि उतनी ही जरूरत है, इसलिए उसने किया। तो शी इज वेरी हैप्पी फॉर दैट और काफी खुश है। तो ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मैंने कहा जैसे कोच का जो पॉइंट कहा था वो, और थर्ड जो है, अगर प्लेटो आता है तो प्लेटो कैसे ब्रेक करना है, उसके अलग अलग डाइट प्लान है, तो आप वो जो है आपके कोचेस से ही जब टच में रहोगे तो ही पॉसिबल है, नहीं तो नहीं होगा, राइट? इसीलिए जब तक आपका गोल जो है अचीव नहीं करते हो तब तक आपको आपका जो मील है वो आपको भेजना है, ठीक है? आपके जो वेट के फोटोज है वो आपको भेजना है। अगर आप नहीं भेजते हो, ठीक है, आपको और एक चीज बताता हूँ। सपोज आपने 1 महीना फोटोज नहीं भेजे, 1 महीना आपने वेट के फोटो नहीं भेजे, और 1 महीने बाद आप बोलते हो कि मेरा सर वजन कम ही नहीं हो रहा है, 1 महीने बाद मैंने इतना न्यूट्रिशन लिया, इतना डाइट किया, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? 1 महीने में जो है आपका बॉडी का जो वेट है ना वो उतना उसमें स्टक हो जाएगा, तो तभी वो प्लेटो तोड़ने में ना हमें डबल काम करना पड़ेगा, तो आपके बॉडी को भी डबल काम करना पड़ेगा। लेकिन जब हमें पता चलता है 1-2 दिन में ही अरे इसका वजन कम नहीं होता है, तभी अगर हम कुछ चेंजेस लाते हैं ना तो फास्ट हम आपका जो वेट लॉस है वो करने के लिए हमें हेल्प होता है, ना कि 1 महीने बाद। कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ जो है लोग ये हो जाते हैं कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कम ही नहीं हो रहा है, तो मैं ये क्यों ले रही हूँ, और बंद कर देते हैं। तो बंद करने से क्या होता है, बंद करते हैं, इमीडिएट बंद करते हैं, तो जो भी कम हुआ है वो और बढ़ जाता है।
ठीक है। तो और फिर ब्लेम क्या आता है कि हर्बल ऐप के प्रोडक्ट खाने बंद करने से वजन बढ़ता है, तो उससे वजन नहीं बढ़ता है, वजन इसलिए बढ़ता है क्योंकि आप आपकी पुरानी लाइफस्टाइल में वापस जाते हो, आपका जो पुराना खाना है वो फिर से शुरू करते हो, इसलिए बढ़ता है, राइट, ना कि हर्बल ऐप के प्रोडक्ट बंद करने से। हर्बल ऐप, फिर से मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हर्बल ऐप न्यूट्रिशन है, ठीक है, पौष्टिक आहार है जो हमारे खाने से नहीं मिलता है, वो हर्बल ऐप न्यूट्रिशन से हमें मिल जाता है। तो इसके साथ साथ हमें बैलेंस खाना खाना जरूरी है, जिसमें विटामिन्स मिनरल्स ये होना जरूरी है, प्रोटीन जो है वो बराबर मात्रा में होनी जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो बराबर मात्रा में होनी जरूरी है, राइट। आप फिर से जंक फूड खाओगे, ऑयली खाओगे या बाहर की चीजें खाओगे तो वो आपके बॉडी पे इम्पैक्ट करेगी और वजन बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ कैलोरीज भी देखना है, राइट। सो जिनको नहीं मालूम वो मैं उनको बताना चाहूंगा कि हर एक जो फूड खाते हैं वो उस कैलोरीज में काउंट होता है, ठीक है। सो वो भी देखना है, वो हमें हमारे बीएमआर के बेसिस पे हमें वो देखना होता है कि हमें कितनी कैलोरीज खानी पड़ती है, तो वो एक है। पर वो धीरे धीरे प्रोसेस है, ऐसे नहीं कि आज शुरू किया तो आज ही आपको कैलोरी बेसिस खाना खाना है, नहीं, आपको आप वो बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था लीजा डिसोजा का स्टोरी, और आई होप आपने ये स्टोरी के बेसिस पे काफी कुछ नॉलेज गेन किया है, और ये आप अपने वेट लॉस के प्रोग्राम में अप्लाई कीजिए ताकि आपका भी बेस्ट और बेस्ट रिजल्ट आए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।